हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं लेके आप लोगों के लिए रियलमी 5, वीवो यू 10 और यहाँ पे इन्फिनिक्स S5 का यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले टेस्ट। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किसका डिस्प्ले सबसे बेस्ट निकल के आता है। तीनों की ही बात करूँ तो तीनों ही सेम प्राइस रेंज पे आता है, 8999, 8999, 8999। यहाँ पे बेस वेरियंट की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले की बात करेंगे, कोई प्रोसेसर की बात नहीं होगी, कोई भी यहाँ पे इसके रैम वेरियंट की बात नहीं होगी और कोई भी अलाना फलाना ढिनकाना कुछ भी बात नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्प्ले देखेंगे कि किसका डिस्प्ले सबसे बेस्ट निकल के आता है तीनों ही स्मार्टफोन में। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज की फिल्म देखेंगे यहाँ पे डिस्प्ले टेस्ट। सबसे पहले स्मार्टफोन की बात करूँ तो रियलमी 5 रहेगा। अब रियलमी 5 के डिस्प्ले की बात करूँ तो इसका डिस्प्ले ना फ्रेंड्स लिटरली बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट डिस्प्ले हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। 6.6 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है, एक IPS HD पैनल वाला, यानी कि 720p के रेजोल्यूशन को ही यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। बट जो डिस्प्ले का साइज है वो बहुत ही बड़ा है 6.6 इंचेस के साथ, साथ में वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है यहाँ पे, 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देख लो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इसका डिस्प्ले फ्रेंड्स लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा शार्पन डिस्प्ले देखने को मिलता है। आप जब होल्ड करेंगे लुक एंड फील वाइज कोई भी आप कंटेंट देखेंगे तो जो डिस्प्ले का नेटनेस है, जो डिस्प्ले का आउटपुट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। कोई डल डिस्प्ले यहाँ पे इसमें देखने को नहीं मिलता है, मतलब जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स जो आउटपुट मिलता है कलर का वो बहुत ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। उसके बाद बात करूँ वीवो यू 10 की तो ये मिलता है 6.35 इंचेस के HD प्लस के रेजोल्यूशन के साथ, इसका भी डिस्प्ले देखने को मिलता है 720p के रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पे ये आता है। ऊपर की तरफ इसमें भी हमको वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल के साथ। और यहाँ पे ये वाला जो डिस्प्ले है ये भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट डिस्प्ले, सेम टू सेम रियलमी 5 का जिस तरीके से वाइब्रेंट डिस्प्ले देखने को मिलता है। वाइब्रेंट मतलब होता क्या है, मतलब कि फ्रेंड जो कलर्स, मतलब जो डिस्प्ले जो आउटपुट निकालता है इस पूरे पैनल का, कितना ज़्यादा वो यहाँ पे क्लियर या फिर कितना ज़्यादा हमको ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलता है उसको वाइब्रेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे रियलमी 5 का और यहाँ पे वीवो यू 10 का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। ये यहाँ पे डिस्प्ले का जो साइज़ है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू रियलमी 5, ये 6.35 इंचेस ही है, तो रियलमी 5 6.6 इंचेस के साथ आता है। तीसरे स्मार्टफोन की बात करूँ तो ये है हमारा इन्फिनिक्स S5। इन्फिनिक्स S5 आता है यहाँ पे वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच डिस्प्ले के साथ। दिया वाटर ड्रॉप नॉच नहीं, बेसिकली एक पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया, पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। और ये यहाँ पे पंच होल आता है 32 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ। यहाँ पे देख लो ये आता है 6.6 इंचेस के डिस्प्ले के साथ, यहाँ पे HD प्लस का डिस्प्ले ये भी है, 720p के रेजोल्यूशन को ये वाला भी डिस्प्ले सपोर्ट करता है, यानी कि तीनों फ्रेंड्स सेम 720p के रेजोल्यूशन वाले सपोर्टेड डिस्प्ले, यहाँ पे फुल HD नहीं है, नॉर्मल HD है। बट यहाँ पे तीनों के ही अगर फ्रेंड्स ऑन पेपर या फिर लुक एंड फील वाइज की बात करूँ तो ये वाला डिस्प्ले कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक पंच होल टाइप है और ये बहुत ही यूनिकनेस है। 9000 रुपये में कोई भी पंच होल नहीं देता है, इन्फिनिक्स S5 ने दिया तो बहुत ही बड़ी बात है। तो देख लो तीनों ही स्मार्टफोन कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, इन्फिनिक्स S5, रियलमी 5 और यहाँ पे वीवो यू 10। डिस्प्ले की बात करूँ तो सबसे दोनों ही डिस्प्ले, मतलब यानी कि रियलमी 5 और इन्फिनिक्स S5 दोनों सेम साइज़ के साथ आता है, बट यहाँ पे पंच होल की वजह से इन्फिनिक्स S5 जीतता है। दूसरे नंबर पे रियलमी 5 रखूंगा और तीसरे नंबर पे रखूंगा वीवो का यू 10, क्योंकि साइज छोटा है। अब हम यूट्यूब पे वीडियो प्ले करके दिखा देते हैं कि कितना सबसे अच्छा आउटपुट और सबसे अच्छा देखने में कौन सा यहाँ पे फोन लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं Realme 5 Pro का जो मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे सपोर्ट करता है वो है 720p 60fps पे, Vivo का U10 भी 720p 60fps पे, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा Infinix S5 भी सपोर्ट करता है 720p 60fps पे। अब मैं यहाँ पे वीडियो प्ले करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरीके से वीडियोस की यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलते हैं तीनों ही स्मार्टफोन की।
एक चीज मैं आप लोगों को लिटरली बताना चाहता हूँ कि ये जो Realme 5 का जो आउटपुट मिलता है ना फ्रेंड्स डिस्प्ले का, वो बहुत ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो कलर्स निकल के आ रहे ना वो बहुत ज्यादा ब्राइट, बहुत ज्यादा शार्पन निकल के आ रहा है। उसकी बात आता है हमारा यहाँ पे Infinix का S5 का डिस्प्ले मुझे क्यों अच्छा लगा, क्योंकि मैं लिटरली क्यों बता रहा हूँ पता है क्या? देखो इसका जो ये जो ओवरव्यू मतलब फुल व्यू जो डिस्प्ले है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा मेसमराइजिंग लगा है। क्योंकि ये देख लीजिए यहाँ पे, मतलब आप लोगों को ना कोई भी ऐसा लगेगा नहीं कि यार अनकंफर्टेबलनेस कि यार कुछ बीच में यार ये यहाँ पे आ रहा है। ये ना जो परफेक्ट प्लेसमेंट किया गया यहाँ पे पंच होल का, जिससे हमारा जो आउटपुट मिलता है ना वो फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी अगर वीडियो प्ले करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, पूरा का पूरा एक ऑल व्यू डिस्प्ले हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ नॉच है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे इसके लिए रख रहा हूँ, दूसरे नंबर पे सिर्फ मैं इसके लिए रख रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसका लिटरली जो Realme 5 का जो आउटकम मिल रहा है ना फ्रेंड्स, ब्राइटनेस के हिसाब से, जो कलर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके हिसाब से, Realme 5 को मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अनबाइस तरीके से यहाँ पे ये जो इसका जो आउटपुट मिलता है ना वो लिटरली फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कलर्स को आप खुद कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए Realme 5 का जो फ्रेंड्स जो आउटपुट मिल रहा है वो देख लीजिए Vivo U10 के हिसाब से। तो यहाँ पे Realme 5 का देख लीजिए जो पत्ते का कलर है यहाँ पे कितना किस तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे स्नेक का कलर देख लीजिए, यहाँ पे Realme 5 का जो डिस्प्ले लिटरली फ्रेंड्स वो थोड़ा सा अच्छा मिल रहा है। उसके हिसाब से मैं इसके पहले नंबर पर रखूंगा, Infinix S5 दूसरे पे, और यहाँ पे ये जो Vivo का U10 है इसको मैं रखूंगा तीसरे नंबर पे। सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ तीसरे नंबर पे क्योंकि यार इसका डिस्प्ले साइज छोटा है और यहाँ पे ये खराब नहीं है, ये मत सोचना इसको तीसरे नंबर पे रखा हो इसका मतलब ये खराब है। सिर्फ डिस्प्ले साइज छोटा है और दोनों के कंपैरिजन में ये पीछे रह जाता है, बस इतना ही है। बाकी ये भी बहुत ही एक तगड़ा स्मार्टफोन मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे अपने हिसाब से। यहाँ पे ओवरऑल यही है फ्रेंड्स डिस्प्ले का यहाँ पे टेस्ट इस तीनों ही स्मार्टफोन का, या Realme 5, Infinix S5, Vivo U10 का। आप बताओ सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा, और इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बने रहिए टेक एंड मेड यूट्यूब चैनल के साथ। बोलते रहिए जय हिंद, पीस आउट।